हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक होगा वो ये है डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट के बारे में। और ये वाला जो सर्किट है आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला मैंने रेडीमेड मंगाया है ऑनलाइन में, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिल जाएगा आपको जहाँ पर पार्ट्स बेचता है। तो दोस्तों, ये जो सर्किट है ये बहुत ही उपयोग सर्किट है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर इन लिखा हुआ है, प्लस इन और माइनस इन, और यहाँ पर आउट लिखा हुआ है, प्लस आउट और माइनस आउट। दोस्तों, जहाँ पर इन लिखा हुआ है यहाँ पर अगर डीसी वोल्ट सप्लाई करेंगे तो डीसी वोल्ट को बूस्ट करने के लिए ये वाला सर्किट है, और बूस्ट करेंगे, बूस्ट करने के बाद यहाँ पर आउटपुट आप ज़रूरत के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। तो आज वही चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है आउटपुट। यहाँ पर अगर मैं 5 वोल्ट सप्लाई करेंगे या 3.3 वोल्ट, अगर यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये वाला जो प्रीसेट जैसा यहाँ पर स्क्रू दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर घुमाएंगे, जितना घुमाएंगे उतना वोल्टेज इंक्रीज होगा और देखेंगे कितना आउटपुट आ रहा है। मेरा पास 5 वोल्ट सप्लाई है तो 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर देंगे और आउटपुट देखेंगे कितना आ रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मुझे यहाँ पर सोल्डिंग करना होगा, जैसे प्लस और माइनस, यहाँ पर आउटपुट प्लस और माइनस में। तो चलिए पहले सोल्डिंग कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस है ग्राउंड कनेक्शन, तो इसलिए ब्लैक यहाँ पर सोल्डिंग करना होगा मुझे। तो चलिए यहाँ पर ब्लैक का सोल्डिंग कर दे रहे हैं यहाँ पर। और जो VCC है तो VCC के लिए रेड वायर यूज़ करेंगे, तो रेड वायर को यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हो गया यहाँ पर आउटपुट, और इन के लिए यहाँ पर सोल्डिंग करते हैं ब्लैक ग्राउंड कनेक्शन में। फिर यहाँ पर रेड वायर VCC इन, चलिए सोल्डिंग हो गया। आउटपुट वोल्टेज को चेक करने के लिए डिजिटल मीटर की ज़रूरत पड़ेगा, तो डिजिटल मीटर जो है यहाँ पर पॉजिटिव वायर VCC जो है, पता है आपको, VCC को यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं और ग्राउंड को भी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो है इनपुट 5 वोल्ट देंगे, चलिए ज्वाइन कर लिए यहाँ पर। तो डिजिटल मीटर थोड़ा सा मेरा फॉल्ट हो गया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी 0 है और यहाँ पर मैंने वोल्टेज को सेम पोजीशन में रखा है डिजिटल मीटर में। अब यहाँ पर सप्लाई देते हैं, तो चलिए सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों, सप्लाई दे दिया। अब देखिए यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 22.4 वोल्ट। और इनपुट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर पावर बैंक से 5 वोल्ट इनपुट दे रहा हूँ, और आउटपुट निकल रहा है यहाँ पर 22.4 वोल्ट। देखिए यहाँ पर है ये वाला, इसको घुमाएंगे आप तो ये कितना वोल्ट हो गया, 21 वोल्ट, सॉरी। अब बढ़ा रहे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 23 वोल्ट, 24 वोल्ट, यहाँ पर 25 वोल्ट आ रहा है, ट्वेंटी सिक्स वोल्ट, 27, 28, 30 वोल्ट हो गया। देखिए दोस्तों, 30.1 वोल्ट है अभी, इनपुट है 5 वोल्ट और 30.1 वोल्ट अभी है। फिर भी देखते हैं बढ़ता है कि नहीं, कितना बढ़ता है, 36, 37 हो गया, 41 वोल्ट, 42 वोल्ट। तो दोस्तों, 42 वोल्ट यहाँ पर हो रहा है, लास्ट 42 वोल्ट हुआ है यहाँ पर। और इसको आप घटा भी सकते हो, जब रिवर्स वाइस और फॉरवर्ड वाइस में आप जब घुमाओगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो चलिए वोल्टेज कम कर लेते हैं, वोल्टेज को। दोस्तों, ये सर्किट आपको बहुत काम में आएगा।
दोस्तों जो एलईडी 12 वोल्ट में ऑपरेट होता है उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हो 3.7 वोल्ट या 5 वोल्ट में, बहुत ही आसानी से ऑपरेट होगा और ब्राइटनेस भी अच्छा होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी सर्किट को लेके।